Hi guys, welcome to Jitendra English classes. Now, today I will teach the English grammar. The topic is infinitives. Infinitive is a non-finite verb. There are two types of the verb, finite verb and non-finite verb. अब infinitive क्या है? एक non-finite verb है. This means जिसका मतलब होता है that is not restricted by the person, number or tense. यह न पर्सन से न नंबर से या टेंस से इसमें रिस्ट्रिक्टिक नहीं होते हैं यानी इससे बाधित नहीं होते हैं. और देर आर टू टाइप ऑफ द इन्फिनिटिव, देर दो प्रकार के इन्फिनिटिव होते हैं. द टू इन्फिनिटिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. टू यानी ये क्या है, टू प्रीपोजिशन है और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि आपने पढ़ा है कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. तो यहाँ पे ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अब हम यहाँ एग्जांपल से देखेंगे कि द कैट ट्राई टू कैच द माउस. यहाँ पे देखिए द कैट ट्राई टू कैच द माउस, ये ट्राइड क्या है यानी कि फाइनाइट वर्ब है. लेकिन टू कैच क्या है? टू कैच आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है. क्योंकि इन्फिनिटिव क्यों है? क्योंकि वर्ब से पहले टू लगा हुआ है. क्योंकि इसका देयर इज नो इफेक्ट ऑन द यानी कि नंबर, टेंस या पर्सन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. उसके अलावा हम दूसरा देखेंगे वी मस्ट प्लान टू स्टार्ट अर्ली टुमारो. यानी यहाँ पे सेकेंड क्या है? मस्ट प्लान. मस्ट प्लान ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है. लेकिन टू स्टार्ट ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है. और इस तरह से आपने देखा कि नॉन फाइनाइट क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट यानी कि टू कैच, टू स्टार्ट. क्योंकि नॉन फाइनाइट तीन प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा है, इन्फिनिटिव, जिरंड एंड पार्टिसिपल. तो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द इन्फिनिटिव. हम इस चैप्टर में इन्फिनिटिव के अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब से पहले टू या स्टार्ट से पहले टू या कैच से पहले टू ये आपका इन्फिनिटिव को इंडिकेट करता है. अब देखेंगे बेयर इन्फिनिटिव. बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू. यानी वही फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही, लेकिन वह विदाउट टू यानी बिना टू के होता है. जैसे यहाँ पे देखिए आई कैन कैच अ रेड. तो कैन कैच ये कैच है यानी कि जो मॉडर्न मॉडल इंग्लिश यानी कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है वह उनके साथ हम यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं. जैसे कि यहाँ पे किया गया है कैन कैच. कैच ये आपका क्या है? विदाउट टू यानी कि बिना. इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, जिसमें यानी कि टू नहीं लगता है उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव. उसी तरह सेकेंड सेंटेंस में भी देखिए वी विल स्विम अक्रॉस द रिवर टू नाइट. अब यहाँ पे विल स्विम यहाँ स्विम भी क्या है यानी कि बेयर इन्फिनिटिव है जो विदाउट टू बिना टू के लगा हुआ है. तो यहाँ पे देखिए कैच और स्विम ये दोनों सेंटेंस यानी कि इन्फिनिटिव हैं बट विदाउट टू, क्योंकि यह मॉडल अपने मॉडल यानी कि हमने आपको बताया था कि एक्जिलरी वर्ब क्या होते हैं. देर आर टू टाइप ऑफ द एक्जिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्जिलरी वर्ब एंड मॉडल एक्जिलरी वर्ब. तो जितने मॉडल एक्जिलरी वर्ब होते हैं हम वहाँ पे वी यूज़ ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें हम केवल फर्स्ट फॉर्म का वर्ब प्रयोग करते हैं. अब देखिए टू इन्फिनिटिव फंक्शन लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव आर एडवर्ब. टू इन्फिनिटिव क्या करता है? टू इन्फिनिटिव यानी एक नाउन की तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है या एक एडवर्ब की तरह काम करता है. यह सेंटेंस में अलग अलग यानी कि एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब की तरह काम करते हैं. जैसे लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस आई लाइक टू स्विम. यहाँ टू स्विम क्या है? इन्फिनिटिव है. तो यहाँ टू इन्फिनिटिव का क्या काम है? लाइक अ नाउन यानी यह नाउन का काम कर रहा है. लेकिन टू स्विम हिज हेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक यानी यह एक तरह से सेंटेंस में क्या है? एक तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक यानी लाइक वर्ब का एक तरह से ये ऑब्जेक्ट है और ये नाउन की तरह काम कर रहा है.
और इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। उस तरह सेकेंड सेंटेंस में देखिए, व्हेन देयर इज़ अ इनजस्टिस वी मस्ट हैव द करेज ऑफ द फाइट। देखिए अब लाइक एन एडजेक्टिव टू फाइट क्वालिफाइज द नाउन करेज। यहाँ पे लाइक एडजेक्टिव, अब यहाँ पे क्या है, टू फाइट, टू फाइट मीन्स होता है लड़ना। तो यहाँ पे देखिए करेज, इसके पहले जो वर्ड आया है करेज, करेज क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये टू फाइट किसको क्वालिफाइज कर रहा है, नाउन करेज को। ये नाउन सॉरी ये एडजेक्टिव नहीं है, यह नाउन है, नाउन करेज को क्वालिफाइज कर रहा है, इसलिए यह एक तरह से यहाँ पे टू फाइट क्या कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपने पहले सेंटेंस में देखा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, सेकंड सेंटेंस में यह यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब थर्ड में देखेंगे वी ईट टू लिव। अब यहाँ पे देखिए टू लिव क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन लाइक एन एडवर्ब टू लाइक क्वालिफाइज द वर्ब इट, लाइक एडवर्ब यहाँ एक एडवर्ब की तरह है, टू लिव क्या है एक एडवर्ब की तरह है, और टू लिव किसको क्वालिफाइज करता है, वर्ब इट को, यहाँ वर्ब इट को ये क्वालिफाइज करता है। इसमें हम ज़्यादातर एडवर्ब को हम ये हिंदी में पता कर सकते हैं कि वी इट टू लिव, हम जीने के लिए, यानी ज़्यादातर मोस्टली के लिए, हम जीने के लिए या करके आता है, तो यानी कि खाते हैं, तो इसलिए उसको हम एडवर्ब को उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि द टू इन्फिनिटिव डज वर्क ऑफ द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टू इन्फिनिटिव क्या करता है, निम्नलिखित सेंटेंस में नाउन का काम करता है। जैसे देखिए लाइक अ नाउन इट कैन बी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे देखिए टू एक्सरसाइज डेली इज द हेल्दी हैबिट। अब यहाँ पे जो टू एक्सरसाइज डेली, यहाँ पे टू एक्सरसाइज जो है एक तरह से ये क्या है, इन्फिनिटिव है, और यहाँ पे एक तरह से नाउन का काम कर रहा है, और एक तरह और यह सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट भी है। सेकंड सेंटेंस में भी वही है, टू स्टे हेयर इज़ द डिफ़िकल्ट। यहाँ टू स्टे क्या है, एक नाउन है, और यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में भी टू मेक मिस्टेक इज़ अ नॉर्मल। तो टू मेक यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट है, और यह नाउन का काम कर रहा है। तो आपने देखा कि इन द सेंटेंस अबव इन्फिनिटिव टू एक्सरसाइज टू स्टे एंड टू मेक आर ऑल सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये सारे सब्जेक्ट के वर्ब हैं। अब हम आगे देखते हैं कि लाइक अ नाउन, एक नाउन की तरह टू इन्फिनिटिव कैन बी ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ये यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। आई डू नॉट लाइक टू रोड, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू रीड क्या है, इन्फिनिटिव है, और सेंटेंस में एक तरह से जैसे अभी आपने देखा कि वो सब्जेक्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे ये सारे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। एवरी वन वॉन्टेड टू वेट, टू वेट क्या है, यह ऑब्जेक्ट है, और यह वर्ब में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। उसी तरह से थर्ड सेंटेंस में ही ऑफर्ड टू प्ले, तो यहाँ पे देखिए ये टू पे क्या है, ये भी यानी कि और इन्फिनिटिव है, यानी टू रीड, टू वेट, टू पे, ये सारे तीनों जो वर्ड हैं ये इन्फिनिटिव हैं, और ये तीनों सारे वर्ड्स एक तरह से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। उसी तरह से टू इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विच हैज़ टू ऑब्जेक्ट। कभी कभी यानी कि इन्फिनिटिव यानी का प्रयोग किया जा सकता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब विच हैव द टू ऑब्जेक्ट। जैसे मदर टोल्ड मी टू स्टडी, तो यहाँ पे मी यानी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू स्टडी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी कन्विंस्ड नैना टू स्टे, नैना ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू स्टे क्या है, नैना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और टू स्टे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों यानी यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। थर्ड है लाइक अ नाउन इट कैन बी द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। हिज एम्बिशन इज द बिकम एन एक्टर। तो यहाँ पे टू बिकम क्या है, टू बिकम एन एक्टर, एक एक्टर बनना। तो टू बिकम यहाँ पे क्या है, कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब यानी कम्प्लीमेंट है। एंड इज टू डांस, डांस क्या है, कम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि इज वाज वर टू बी होने से
या कंप्लीमेंट हो जाता है। टू इन्फिनिटिव लाइक अ नाउन में बी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। टू इन्फिनिटिव क्या है? लाइक अ नाउन, नाउन की तरह होते हैं, मे बी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, द मूवी इज अबाउट टू स्टार्ट। अबाउट टू, अबाउट टू क्या है? प्रीपोजिशन है। टू स्टार्ट क्या है? ये इन्फिनिटिव है। ही हैड नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू हाइड। एक्सेप्ट क्या है? यह प्रीपोजिशन है, और टू हाइड क्या है? आपका इन्फिनिटिव है। तो यहाँ एक तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। अब हम आगे देखते हैं कि टू इन्फिनिटिव फंक्शन एज एडवर्ब क्वालिफाइंग वर्ब आर एडजेक्टिव। टू इन्फिनिटिव क्या करता है? एडवर्ब का, एडवर्ब की तरह काम करता है। किसको क्वालिफाइंग करता है? क्वालिफाइंग वर्ब आर एडजेक्टिव, या वर्ब को या एडजेक्टिव को क्वालिफाइंग करता है। जैसे देखिए, एज एडवर्ब द इन्फिनिटिव में क्वालिफाइज द वर्ब। एक इन्फिनिटिव एक वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। यूजुअली टू एक्सप्रेस द पर्पज और कॉज। ही कॉल्ड टू टॉक टू हिज मदर, यह क्या है? पर्पज, मतलब ही कॉल्ड मैंने बुलाया गया, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए, टू हिज मदर उसे अपनी माँ को उन्हें बात करने के लिए बुलाया, बात करने के लिए, के लिए, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए। इसलिए यह क्या है, यहाँ पे टू टॉक क्या है? एडवर्ब है, जहाँ पे हम वह अपना पर्पज कर रहा को पूरा कर रहा है। आई केम टू बाई द क्लॉथेस, मैं कपड़े खरीदने के लिए आया। तो टू बाई क्या है? यह एडवर्ब है जो पर्पस को पूरा करता है। सी क्राइड टू सी स्टेट ऑफ हर हाउस, वह अपने घर के दशा को देखकर चिल्लाया। तो टू सी क्या हो गया? देखकर। तो यहाँ पे हमने देखा कि बात करने के लिए, खरीदने के लिए, या टू सी देखकर, ये सारे यह बताते हैं कि ये सभी एडवर्ब का यहाँ काम कर रहे हैं। उसके अलावा एज एडवर्ब द इन्फिनिटिव में क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव। एडवर्ब के तौर पर इन्फिनिटिव एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दे वर ईगर टू लर्न, यानी वे सीखने के लिए इच्छुक हैं। तो यहाँ पे देखिए, ईगर क्या है? ईगर आपका एडजेक्टिव है, और टू लर्न यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे यानी किसको क्वालिफाई कर रहा है? या टू लर्न क्वालिफाइज द एडजेक्टिव ईगर, यानी एडजेक्टिव ईगर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस में नट्स आर हियर हेल्दी टू इट। सेकंड सेंटेंस में हेल्दी क्या है? एडजेक्टिव है। टू इट क्या हो गया यहाँ पे? यानी कि यह एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टू इट आपका क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। यानी यहाँ पे ईगर और हेल्दी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कौन? टू लर्न टू इट, इसलिए बोथ सेंटेंस आर द एडवर्ब, यानी बोथ वर्ड आर द एडवर्ब। नाउ लुक एट, अब हम देखेंगे कि टू इन्फिनिटिव इज यूज एडजेक्टिव व्हेन इट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन। और इन्फिनिटिव कभी कभी क्या करता है? एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है जब इट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, जब यह नाउन के बारे में बताता है। जैसे दिस इज द नॉट द टाइम टू जोक, यह जोक का समय नहीं है। तो यहाँ टू जोक क्या करता है? टू जोक टेल अस मोर अबाउट द नाउन टाइम, यह टाइम नाउन को बताता है। सी इज़ द पर्सन टू एडमायर, तो टू एडमायर टेल अस मोर अबाउट द नाउन पर्सन। यहाँ पे टू एडमायर क्या है? हमें बताता है मोर अबाउट द नाउन पर्सन, यानी नाउन पर्सन के बारे में। यहाँ नाउन क्या है? पर्सन क्या है? नाउन है। दिस इज नॉट अ प्लेस टू प्ले, यानी टू प्ले टेल अस मोर अबाउट द नाउन प्लेस। यहाँ पे टू प्ले टेल अस मोर अबाउट द नाउन प्लेस, यहाँ जो नाउन क्या है? प्लेस, और प्लेस के बारे में क्या बताता है? टू प्ले। तो इस तरह से यहाँ पे टू जोक, टू एडमायर, टू प्ले, ये क्या हैं? ये सारे दे आर द एडजेक्टिव, दे एक्ट एज अ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के तौर पे हम काम कर रहे हैं। क्योंकि टू जोक टाइम को, टू एडमायर पर्सन को, टू प्ले प्लेस को, ये सारे क्या हैं? टाइम, पर्सन, प्लेस, ये नाउन है।
अब हम आज देखते हैं कि टू इन्फिनिटिव कैन बी अल्स हैव्ड फॉलोइंग फॉर्म, यानी जैसे द परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव द पास्ट पार्टिसिपल, टू हैव द ब्रोकन, टू हैव सीन। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, परफेक्ट इन्फिनिटिव हम कैसे बनाते हैं, टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे देखिए टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ आपको सेंटेंस देखिए, द मीटिंग वॉज टू हैव टेकन प्लेस टूडे। यह क्या है, यानी कि टू हैव टेकन प्लेस, यानी यह आपका क्या है, इन्फिनिटिव है टू हैव। आई वुड लाइक टू हैव, है ना, सीन द एफिल टावर व्हेन आई वाज इन द पेरिस। इस तरह से यहाँ टू हैव क्या है, आपका इन्फिनिटिव है। उसके अलावा द कंटिन्यूस इन्फिनिटिव टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। टू बी मतलब मीन्स, यानी कि टू बी स्विमिंग, टू बी वेटिंग, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ आईएनजी जोड़ देना। जैसे यहाँ पे देखिए, आई वुड रियली लाइक टू ट्रैकिंग द माउंटेन राइट नाउ। आई हैपन टू बी वेटिंग फॉर द बस व्हेन द एक्सीडेंट हैपन। तो आप देखेंगे टू बी वेटिंग, टू बी ट्रैकिंग। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ कलर।